छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। पूर्व विधायक नीलिमा सिंह टेकाम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल अपने विभाग से संबंधित अधिसूचना सदन के पटल पर रखेंगे। सदन में आज दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप प्रस्ताव लाएंगे। नारायणपुर में सड़कों के जर्जर होने पर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा गोदाम निर्माण कार्य का टेंडर अपात्र ठेकेदारों को दिए जाने संबंधित विषयों पर ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने विभागों से जुड़े सवालों का सदन में जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ विनियोग विधायक 2023 पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में आज दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। पूर्व विधायक नीलिमा सिंह टेकाम को भी सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। विभाग से संबंधित अधिसूचना सदन के पटल पर रखेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर, राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। तो इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए राजधानी रायपुर विधानसभा से हमारे साथ स्वाति कौशिक लाइव जुड़ चुकी हैं। स्वाति, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी शिवांगी, देखिए बजट सत्र का आज 14वां दिन है और अनुदान मांगों की चर्चा जो है वो सदन में चल रही है। आज ध्यान आकर्षण में हंगामे की जो है वो जोरदार हंगामे की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र में आज ध्यान आकर्षण में दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो नजर आ रहे हैं। पहला है इस वेयर हाउस का जो मुद्दा है, जिसपे टेंडर होना है, हो चुका है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियों की जो बात है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर कुरुद विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जो है वो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं जो दूसरा जो ध्यान आकर्षण लगा हुआ है वो नारायणपुर जिले में रोड की जो जर्जर स्थिति है सड़क की, उस पर लगाया गया है। तो उसपे जो विधायक कश्यप हैं वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे अपने गृह मंत्री का। तो यही जो महत्वपूर्ण विषय प्रश्नकाल में भी उठने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी शिवंगी, स्वाति क्या लगता है, सड़क जर्जर के जो मामले आज उठाए जाएंगे इसको लेकर क्या कोई उत्तर मिल सकता है? हम देखते हैं लगातार इस तरीके के मामले जो हैं लगातार उठाए जाते हैं। जैसे आपने बताया सड़क जर्जर का जो मामला है आज सदन में उठाया जाएगा, प्रश्नकाल में भी लगातार इस तरीके के मामले उठाए जा सके हैं। स्वाति जी शुभांगी, देखिए जो सड़कों के खराब होने की स्थिति है ये कई बार जो है वो प्रदेश के सामने आ चुकी है, पूरे सरकार के सामने आ चुकी है। इसके पहले भी अगर हमको ध्यान होगा थोड़ा बहुत, तो जब भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा था और जब उस क्षेत्र पर मुख्यमंत्री गए हुए थे तब भी वहां पर इस तरह की मांगे जो है वो उठी थी। उसके बाद फिर से क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका इस तरीके से मांग उठाना बिल्कुल ये थोड़ा चिंता का तो विषय बनता ही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि इस बार ध्यान आकर्षण के बाद जो पीडब्ल्यू मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं और क्या जो विधायक की मांग है वो पूरी की जाती है, और उसमें जानकारियां आने की बिल्कुल उसमें उम्मीद है कि कब वो जो रोड है वो पिछली बार बना था और कब अगली बार बनने की उम्मीद है, उसमें क्या पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं के बारे में भी जो विधायक हैं कश्यप वो इस पे जानकारी मांगेंगे। जी जी स्वाति, बने रही हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विभाग से संबंधित अधिसूचना सदन के पटल पर रखेंगे सीएम भूपेश बघेल।